ये पेशेंट हाँ। तुम कौन है उसके मामू? वो कौन है? ये भाई थे हमारे वहाँ के। तुम्हारे भाई? ये कौन है? मुमानी। वो कौन है? इसको क्या तकलीफ होती थी पहले? इसको ये थर थर करता था आधा के टाइम पे, ऐसे एकदम थर 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 करता था। सबको ऐसा लगता था खामोश बैठे बोल रहा था, वैसा करके फिर उसको जब खामोशी रही सब गपचुप बैठ जाता। अच्छा तुमने दवा खाने भी करे होंगे, दुआ पाने को भी गए होंगे? गए थे दुआ पाने? कुछ फर्क हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जैसे वैसा दवा खाने को स्कैनिंग सब निकालेंगे उसमें कुछ हुआ फर्क? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तकलीफ क्या होती थी? तकलीफ उसकी छाती। कहाँ होती थी वो तकलीफ? छाती के अंदर। छाती के अंदर। अब दूसरे गाँव को गए तो क्या होता था? कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे गाँव में आएगी तकलीफ? चल हो जाता था वो फाटे समझा गाँव में घुस गए ये बोलता था वापस में कुछ वहाँ पे। अच्छा गांव के अंदर एंट्री मारते गांव की टेरिटरी के अंदर गांव के बॉर्डर में घुसते जो उन्हें बीमार हो जाता था गिर जाता था जमीन गिर जाता था। और दूसरी बात के तुम जब यहाँ आए तो यहाँ कितनी बार आए तुम? पहली बार भी समझा भी है। दूसरी चक्कर तो पहली चक्कर में तुम्हारे बच्चे को कितना फर्क हुआ? 50% होगा। और इसको खुद ब खुद ऑटोमेटिक उल्टियां या ऑटोमेटिक जवाब हुआ क्या? उल्टिया हो गया ऑटोमेटिक इलाज के दौरान। इलाज के दौरान तुम्हारे पास। और तुझे सपने क्या गिरे इलाज के दौरान? एक कुत्ता और एक आदमी बिगर मुंडी। बिगर मुंडी के एक कुत्ता और एक आदमी। बगर मुंडी का कुत्ता और बगर मुंडी का इंसान दो दिखे थे सपने के अंदर एक साथ। वैसी बला छोड़े वाली थी इनका जो माजरा था। इनो कौन से गांव से आए थे? जिला कौन सा था? परभनी। तालुका? पाथरी। बाबल गांव बोल के कोई विलेज है नो, उस विलेज से आए थे नो। बहुत सारे जगह पर पहले गए। तुम लोगों की रिकमेंड, तुम लोगों की ऐसी वो रहती रिक्वेस्ट कि उनको बताओ कितने परसेंट फर्क हुआ अल्लाह के कलाम से। अल्लाह वालों के पास में फर्क होता क्या? फैज पहुंचता क्या? कैसा नहीं देंगे अल्लाह? अल्लाह के कलाम से तो पूरी दुनिया को फैज देता वो कलाम इलाही की। तुम पढ़ो तो सही, उससे फैज हासिल तो करो लोगों, और पढ़ने वाली जबान के पास तो जाओ तो तुमको फैज मिलेगा। बाकी उन्होंने दवा खानों को भी गए थे, दुआ पानियाँ भी करे, उनका कहना उनके जबानी में सुने ना आगे, तो उनके बच्चे को कुछ फर्क नहीं हुआ। यहाँ जैसा आए तो यहाँ पहली बार में मेरे को हर चीज के तरीके अलग अलग रहते, उस तरीके से पेशेंट को राइट करना पड़ता। तुम बोलेंगे अभी किसी वक्त ऑन द स्पॉट राइट करो, वैसा नहीं रहता। कोई नागूरी, कोई अघूरी, कोई भानामती, कोई काला जादू, कोई केकरमती, कोई एकरमती, बहुत अजीब और गरीब किस्म के अमलियात रहते। कौन सा हुआ उस हिसाब से काटना पड़ता। वो तो सब कट जाता है अल्लाह के कलाम से। अल्लाह के कलाम के सामने कोई चीज की हैसियत और औकात नहीं है। कैमरे वाले इधर सामने से जा, कोई चीज की हैसियत और औकात नहीं है। मगर एक बात तुम लोगों ने याद रखना, पढ़ पढ़ के एक मामूल बनाओ, घर के अंदर एक माहौल बनाओ के तुम हदीस कुरान ये सब चीजों को पढ़ो, उसकी रस्सी को मजबूती से तामो, तो तुम ये सब बलाओं से वबाओं से महफूज रहेंगे। वो बच्चे को बगर मुंडी का और बगर मुंडी का कुत्ता, डॉग और इंसान दोनों नजर आए वो उसके ख्वाब में इलाज के दौरान, वो छोड़े हुए थे उसको उसके गांव की टेरिटरी के अंदर, उसके गांव की सरहद के अंदर दाखिल होते चुने, उसको गिर जाता था छाती पकड़ के और उसको क्या होता था पता नहीं, फटफड़ करता था उसका। ये सब लोग परेशान थे और इन दूसरे गांव में ले जाकर उसको रखते थे तो दूसरे गांव में कुछ नहीं होता था, नॉर्मल रहता था। यानी कि उसके गांव को बांध दिए थे करनी कौटल से, अमल अमलियात से, गंदे अमलों से। तो जब अल्लाह के फजल करम से यहाँ आए, मैंने जैसा तरीका उनको बताया उन्होंने उस तरीके से क्या बोलते, तो अपना अपना सामान, अपना अपना मेडिकल जो भी है खरीद के लाए, सब घर को लेकर घर पे अमल करे। मैं तो उनसे खुद होकर एक रुपया तो नहीं लिया, जो भी खरीद के लाए सब घर को लेकर घर पे ले जाके अमल करे। मेरे को दिए क्या डायरेक्ट 2,00,000 रुपए? नहीं नहीं नहीं। तो जो भी रहता अपना अपना रहता, तुम्हारा मेडिकल है तुम लेके जाके घर पे अमल नहीं करेंगे तो मैं कहां से तुम अपना मेडिकल दिला करूं? मैं बैठे आला हूँ तुम्हारा हल करने, मगर मैं मेरे तजुर्बे से, मेरे इल्म से, मेरे पढ़ाई से, जिक्र अस्कार से, इबादतों से तुम्हारा हल करूंगा। लेकिन जो तुमको लगेगा मिसाल के तौर पे पानी की बॉटल, तो तुम लाओ दुकान से घर को ले जाओ घर पे अमल करो, फिर तुमको अल्लाह फैज देगा ना। तुम बोलेंगे डायरेक्ट सडनली, तो हर चीज के तरीके अलग अलग है। अल्लाह ने हर चीज को उसके दायरे के अंदर मुकर्रर करा और उसके ऊपर उसके अंदर मुकर्रर करने के बाद उसके अंदर एक माहिरीन को पैदा करा और उससे फिर फैज पहुंचाता। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बात है, बट मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि फिर उसके बाद में उनके बच्चे को क्या होता था और फिर घर में उन सबको खामोश कराता था। खामोश करा के वो लौटते पड़ता था, कहके चलते थे, उसकी तकलीफ जो भी थे होगा था, उसका फ्यूचर बर्बाद हो गई थी, उसकी जिंदगी बर्बाद, लास्ट में उसकी जान ले लेते थे। भला बता रहे क्यों उन्होंने दवा खाने भी करे, दुआ गोलियां भी, दुआ पानियां भी करे, दवा गोलियां भी करे, सब करे, मगर हर जगह फैज नहीं देता ना अल्लाह को। अल्लाह के चुनिंदा बंदे रहते और वहां ले जाकर फैज देता हूँ तुम्हारा, तुम वो चुनिंदा बंदे और अल्लाह की हिदायत सिरात अल मुस्तकीम की राह को छोड़ के दूसरे तरफ तुम्हारी पटरी भटक जाएंगी और बोलेंगे वहां से फैज हासिल करेंगे, तो वहां से तुमको फैज नहीं मिलता।
क्योंकि शैतान के साथियों का फैज नहीं रहता, फैज अल्लाह वालों के पास में रखता, अल्लाह वालों के हाथ में फैज रहता और फरमाता कि मैं उनका हाथ बन के तुमको फैज अता करूंगा, क्योंकि अल्लाह जमीन पे नहीं आ सकता, ये रूए जमीन है, ये सब चीजों की औकात नहीं है, ये लिखे कि अल्लाह के मुंह को बर्दाश्त कर सके, उसकी शान के खिलाफ है। सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सूरज को बनाने वाले को क्या बर्दाश्त करेंगे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी तो कौल है ना, फिर तुम सूरज को बनाने वाले को कहां से बर्दाश्त करेंगे, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पे वो सूरज है, वो सूरज खाली जरा सा आगे बढ़ा तो सब जलना चालू हो जाता जमीन पे, तो उसको बनाने वाले का क्या जलवा होंगे और क्या तजल्ली होंगी, उसको कहां से तुम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे क्या लिखना जल के राख हो जाएंगे, तो उन्हें जमीन पे नहीं आता, उन्हें अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से तुम आपको फैज पहुंचाता, उन्हें जमीन पे आएगा तो उसकी शान के खिलाफ है ना। और दूसरी बात के जो भी है तुम्हारे सामने दास्तान है, दे अल्लाह ने फैज तो ऐसा यहाँ पर फैज होता, तुम्हारे ऐसे ख्याल थे, तुम लोग कह रहे थे मुझे कि हमको जरा फैज के भी वीडियो बनाकर बताओ लोगों को कितना फैज पहुंचा, अरे यहां से फैज नहीं मिलेगा तो कहां से फैज मिलेगा, दरे मुस्तफा के गुलामों के दर से तुमको फैज नहीं मिलेगा, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दर से फैज नहीं मिलेगा तो कहां से फैज मिलेगा, पंजतन पाक के औलादों के दर से अल्लाह तुमको फैज नहीं देगा तो कहां से फैज देगा, फिर कमबख्तो अकल के अंधो, जिन्नात और शैतान भी आज भी अम्मी हुजूर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के औलादों का अदब करते, इतना अदब करते जिन्नातों में कि खबीस जिन्नातों तक अदब करते, क्योंकि उनको मालूम है उनके शरीर में का जो खून है वो आले रसूल औलाद अली हुआ, अम्मी हुजूर फातिमा रजी अल्लाह ताला का खून हो, इमाम अली इमाम हुसैन इमाम हसन का खून दौड़ता सैयदों के नस्ल में खून, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीर में जो खून दौड़ा था वो आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शरीर के अंदर खून दौड़ता, इसलिए वो खूनों का अदब करती जिन्नात और हर मखलूक, और दुनिया में बहुत सैयद नहीं है मुट्ठी भर के खाली, बोले आला ना 70,000 सैयदों से डबल से दुनिया को फतेह करूंगा अल्लाह ने, सब पढ़ो तफसीर में तुमको पता चलेगा बहुत सारे राज है, तो वो भी सब पते चलेंगे तुमको क्या क्या है कैसे कैसे, इमाम महदी अलैहि सलाम आएंगे तो उनके साथ में 70,000 ही रहेंगे ओरिजिनल, और वो ही मिलके क्या बोलते तो पूरे दुनिया में डबल से जुल्म को खत्म करके इंसाफ कायम करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज जो अदलो इंसाफ खत्म होगा दुनिया से और जुल्म भर गया दुनिया के अंदर, तो वो वही दरों से फैज नहीं मिलेगा, तो कौन से दर से फैज मिलेगा तुम्हारा, शैतान के दर से फैज मिलेगा, इबलीस को मानने वालों के दर से फैज मिलेगा, जो उम्मत के अंदर फितने फसाद डालने वालों के दर पे जाएंगे तुम वहां से फैज मिलेगा तुमको, कुरान और हदीस के माज अल्लाह हंसी उड़ाने वालों के दर से फैज मिलेगा तुमको, मैं क्या बयान करूं, देखो कौन कौन से जमात के उलमा कैसे कैसे हसरे कुरान के आयता पढ़ के माज अल्लाह हंसे, वो भाई नाम तो नहीं लूंगा वो नालायक वो मलूम के ऊपर अल्लाह की लानत नाज़िर हो, तुम पढ़ो तुम देखो तुम मालूम होगा कैसे कैसे नेटों पे वीडियो आते, अच्छा वो हो गया किसका क्या जाने वाला, जो अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामेगा और नहीं मानेगा तो उन्हें दुनिया में भी भरेगा आखिरत में भी भरेगा और खबर के अंदर तो भरता भरता कयामत के ला महदूस जिंदगी में भरेगा, इसका क्या जाने वाला, तो इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजें पढ़ो इबादत करो इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, ये सारे बातों का हर चीज का निचोड़ एक ही निकलता वही इबादत, इबादत हमारी मजबूत रहेंगी तो हम ढाल बन के बचाती और हर मामले में लड़ती हमारे साथ मिलके, हम काम करने जा रहे हम मिस्त्री काम कर रहे हम कुछ भी काम कर रहे डॉक्टर है जज है वकील है मजदूर है कुछ भी है, तो तुम क्या 2 सेकंड नमाज पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा, 2 मिनट तुम सुकून का सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के सामने, करो फिर वो तो इबादत है जो तुमको हर वक्त ढाल बन के बचेंगी, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगो गुस्ताख रसूल मत बनो आशिक रसूल बनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाओ, उन हदीस कुरान पढ़ो, बिद्दत और शिर्क से बचो और पक्के आशिक रसूल बनो, और तुम आशिक रसूल बनेंगे तो तुम्हारा रब में बयान ही नहीं कर सकता, दुनिया आखिरत सब बन गई, अल्लाह को दुआ करो और बोलो कि हमको आशिक रसूलों में हमारी ज़िंदगी को शुमार कर दे मालिक, हम पे बस इतना रहम कर दे और हम फकीरों पे हम गरीबों पे हम लाचारों के ऊपर इतना रहम कर दे अल्लाह, हम बादशाह भी है तो हमारी बादशाह कुछ काम की नहीं है अगर हम आशिक रसूल नहीं है, अगर हम गुलाम मुस्तफ़ा नहीं है, अगर हम उस मदीने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के गुलाम नहीं है तो फिर हमारी कुछ काम की नहीं है, शद्दाद नमरूद फिरौन हामात की इनके सबके वाक़े भी पढ़ लिए तुमने, उनके भी कुछ जिंदगी काम के नहीं थे तो तुम्हारी कुछ जिंदगी काम के नहीं थी, ये तो वो नबी है सारे नबियों के नबी है सारे नबियों के सरताज अंबिया बनाकर भेजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम उनके उम्मत में पैदा हुए, तो इसलिए याद रखो तुम अगर सालेह अलैहि सलाम का वाक्य पढ़ो ना कैसा बोले थे उन्होंने, अल्लाह मेरी डबल से क्या बोलते तो दफनाया जाए, वो आखिर उस जमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दुआ कर रहे थे कि उम्मत में मुझे दफनाया जाए, तो ईरान को जब पता करे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो उनके दौर में बहुत बड़ा जनाजा था लंबा
ईरान के अंदर, और वो ईरानी उस जनाजे को निकाल के बाहर रखते थे, बारिश नहीं होने लगी कि धूप के अंदर दुआ करते थे कि बारिश होना चालू हो जाती थी, फिर वो जनाजे की बॉडी को सबको लपट के ले जाके अंदर रख देते थे। उमर फारूक को पता चला तो उमर फारूक ने बोली ये क्या माजरा है, लोगों ने बोले ये जनाजा है और ये जैसी की वैसी बॉडी इनकी आज भी सलामत, और इनकी बॉडी को धूप में रख के दुआ करते बारिश होना चालू हो जाती, जो भी परेशानी दूर हो जाती। तो उमर फारूक ने बुलाए उस दौर के उलमाएदीन को, बोले क्या बात है, इस पे फतवा दो, क्या मामला है। उन्होंने फरमाई सालिया अलैहि सलाम है जो कि इन्होंने दुआ करे थे उनके दौर में कि अल्लाह मुझे खातिमुज़्ज़मा तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफना, मुझे वहां दफना, मुझे उनकी उम्मत में दफन होना है। तो वो है बोले उमर फारूक ने 11 खबरें खोदने लगाए, अलग 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 या 13 ऐसा बताते बाद उलमा, तो वो खबरें खोदने लगा है सब तरफ, और कौन सी एक खबर में छुपा के उनको मदफन कर दिए पता नहीं, ताकि तुम लोग बुत परस्ती नहीं करना या कुछ नहीं होना ऐसा बोलकर, एक या डबल से निकाल के उनको कोई लेकर नहीं जाना बोल के मदफन कर दिए, कहां करें। तो हर पैगंबर ने दुआ करा अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर, और तुम इतनी आला व अफजल नबी की उम्मत में पैदा होकर इबादत नहीं कर रहे, बोले तो तुम कहां भटक गए रे, समझो ना। और मूसा अलैहि सलाम ने भी तो ख्वाहिश करे थे कि अल्लाह काश मैं उन पैगंबर को देख सकता था जो यूसुफ अलैहि सलाम थे, तो आप बोलते थे कि मैं हमेशा गमजदा हो जाता हूँ, हमेशा मेरे को याद आती, परेशान हो जाती, मेरे को झंझुड़ जाती, तो मेरे गले में एक तावीज था, उनके गले में तावीज पहनना शिर्क है, तावीज पहनना बिद्दत है, कहां से लाए रे बदबख्त, तो कुरान के आयतों को पहनना क्या, कुरान को दिल के पास लगा के रखना क्या बिद्दत होता क्या, तो आपके गले में क्या था, क्यों उनको बिद्दत क्यों ना था, उनको क्यों ना बोला अल्लाह ने, अरे तुम क्या यूसुफ अलैहि सलाम बिद्दत लगा के फिर रहे गले में, पढ़ो वाह क्या पता चलता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भी गमजदा होते थे तो गले में एक आपकी सी मोहर थी, उसको निकाल के चूमते थे और आंखों को लगा, गले को लगा के आपको सुकून मिलता था, और वो क्या था पता है, वो मोहर के ऊपर लिखा ला मोहम्मद लिखा ला था उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना इसमें मुबारक, तो इतनी बरकतें रखा अल्लाह ने, हर पैगंबर ने यही चाहा कि उनकी उम्मत में मैं पैदा हूँ। ईसा अलैहि सलाम की भी दुआ याद है ना, डबल से आने वाले यहाँ उम्मत में, उनको उठा लिया अल्लाह चौथे आसमान पर, यीशु मसीह को डबल से आकर दुनिया में, फिर बोलेंगे तुमको सबको बताएंगे क्या रुतबा है क्या मरतबा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान का, तो क्या बयान करूं मैं, तो बयान ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो जबान ही नहीं है बयान करने, ना तुम्हारे उलमाओं के पास है ना किसी के पास है। अल्लाह ने जिसकी शान की तारीफ बयान कर दिया कुरान के अंदर बार बार, पूरा कुरान उनके तारीफ में उतरा, तो बस बात ही खत्म हो गई, और हम और तुम सब मिल के क्या बयान कर सकते रहे उनकी शान, अकल है तुम्हारे कम बख्त हो, इसलिए दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह हमको पक्के आशिक रसूल बनाए और इबादत करने वाला बनाए, भटकने के तुमको भटकाने के वास्ते बातें वास्ते बोल रहा हूँ, बहुत जमाते आ गए मैदान में, वो शैतान के साथ यहाँ तुम्हारे भटका दे रहे, नबी की मोहब्बत से दूर कर रहे और शैतान की मोहब्बत से तुम्हारे ले जाके मिला रहे। अरे बहुत राजा हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और देखो लायु में सुन लिए ना कितने परसेंट होगा उनको पहली चक्कर में फर्क, कितने परसेंट होगा पहली चक्कर में, 50%, जोर से बोलो 50% पहली चक्कर में। तुझे क्या हो रहा बाबू अब, पहले कुछ होती थी इस तकलीफ को महसूस होता था क्या, बहुत तकलीफ होती थी छाती में पेट में, तोर से बोल छाती में पेट में, बहुत तकलीफ उल्टिया हुए कि ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक, तो अंदर बैठ के दवा सताती तो दवा अमल के दौरान में निकल जाती खुद ब खुद ऑटोमेटिक, कुछ खिला के निकालना वो तो ट्रिक रहती, वो तो तुम कुछ भी खिलाओ फूड पॉइजन की उल्टी होती, खुद ब खुद उल्टी होना, खुद ब खुद जुलाब होना, उसको बोलते दवा निकलना, वो यहाँ इस दर से निकलती, वो अल्लाह के कलाम का पानी अगर मैं बिस्लरी का भी पढ़ के दूंगा अमल करूंगा तो उससे भी उल्टी होती, जबकि बिस्लरी के पानी से वोमिटिंग बंद हो जाती बोलते, फ्रेश पानी पिलाते हैं फिल्टर वाला जब उल्टी हो तो। अरे बाबा बहुत है वही बताने के तो राज, मगर मैं जितने बातें इसलिए तुमको बताता, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, क्या पता तुम मेरे बात सुन रहे तो तुम्हारे दीन, तुम उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह तुम्हारे दीन और दुनिया की दौलतों से नवाज देगा। बंडलबाजी वालों से बचो, डुप्लीकेट लाजा वालों से बचो, शैतान की पुजारियों से बचो, वहां जैनत बुत परस्ती है शिर्क है, ये सब बातों से अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और लोगों के दिमाग से मैंने एक बात काट दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया, और बात की औकात बताया, लोग बोलते थे मियाँ माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लोग बोलते थे मियाँ कुरान से जादू नहीं कटता जी जल्दी, जादू जादू से कटता जल्दी, अच्छा तुमने माहौल बना दिए थे माशरे के अंदर, तुम्हारा मैंने जादू की औकात और हैसियत बताया मेरी जूती पे मार के, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि अल्लाह के कलाम के सामने जादू टोने सब गिड़गिड़ाते, मगर तुम्हारे मुंह में पढ़ने वाली ज़बान आँच नहीं थे बोल के तुम बोल रहे जादू जादू से कटता, मियाँ लोहा लोहे से कटेगा मगर जादू जादू से नहीं कटता, शैतान जहमत दे सकता रहमत नहीं दे सकता, तकलीफ दे सकता फैज नहीं दे सकता,
फैज देने वाली जात अल्लाह की, और अल्लाह जमीन पे आके नहीं देता अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से देता, जब तो फरमा दिया ना फिर अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हकीकतन मानों में अल्लाह की इबादत करता हूँ अल्लाह का वली, हकीकतन मानों में अल्लाह से डरता वह अल्लाह का वली, और तुम अल्लाह के वलियों को अगर बुरा बोलेंगे तो तुम्हारी सारी इबादतें रद्द हो जाते और अल्लाह तुमसे जंग करने के वास्ते तैयार हो जाता। पहले से फरमा दिया मैं तैयार हूँ, जिसने मेरे वलियों के बारे में जरी से भी बहुत रखा दिल के अंदर, तो अरे मुझे बोलने को बहुत कुछ है मगर मैं तुमको अभी नहीं बोलता, कहाँ बताऊँ मेरे कहने टाइम है कि आप सब लोग परेशान हो रहे होंगे। इन शॉर्ट में अल्लाह के फजल करम से जो बताओ उस पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया व आखिरत सब कुछ सवार देगा। आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।